हेलो व्हाट्सअप गाइस, पोकेमोन गेमिंग की कोर वीडियो में तुम लोग का स्वागत है। गाइस, ये पोकेमोन ओमेगा रूबी के एपिसोड 4 है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाओ और चेकआउट कर सकते हो। तो सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन ओमेगा रूबी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपने पोकेमोन हील कर रहा हूँ। गाइस, पिछली बार हम लोग रस्टबोरो वुड को क्रॉस करते हुए आ रहे थे, लेकिन रस्टबोरो वुड में हमें एक टीम मैग्मा का मेंबर मिल गया था, उससे हमने फाइट की थी और उसके बाद हम लोग फाइनली गाइस रस्टबोरो सिटी आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद गाइस हमें हमारी मेज से बात हुई थी और मेज ने हमें बताया था कि इस सिटी में एक जिम है। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग जिम में जाने वाले हैं और जिम लीडर को चैलेंज करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो मेरे पास 3 पोकेमोन है। मेरे ट्रिको तो है, इसको तो आप जानते ही हो, और इसके मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ। एंड गाइस, जैसे कि आप वैसे भी देख ही सकते हो कि मैंने जो अपना व्यू है वो वापस से चेंज कर लिया है। एंड गाइस, अब से मैं इसी व्यू में खेलने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इस व्यू में गेम प्ले ज़्यादा सही लगता है मेरे को। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये व्यू परमानेंट रखें कि इसको भी चेंज किया जाए। तो गाइस, ये रही जिम, अब चलते हैं। लेट्स सी, इससे बात करते हैं तो इसकी ड्रेस थोड़ी यूनिक लग रही है। वंस यू गोट अ साइन जिम बैच इन योर हैंड देन यू आर रियली अ ट्रेनर। ओके, तो साइनी बैच है यहाँ पे। ओ भाई, ऑसम। हेलो, यू मस्ट बी अ न्यू चैलेंजर। आई एम रॉक्सेन द रस्टबोरो सिटी जिम लीडर। आई बिकेम अ जिम लीडर सो डैट आई मे अप्लाई इन द बैटल ऑल द आई हैव लर्न एट द पोकेमोन ट्रेनर स्कूल। If you defeat me in a Pokemon battle, I will present you with a gym badge as a proof of your strength as a trainer. I look forward to seeing you as a challenger. Until then, farewell. भाई यार, जिम में अंदर जाने बैटल चैलेंज करने से पहले जिम तुम देखो पहले, कितना यूनिक है। जैसा देख के मेरे को लग रहा है ये एक म्यूजियम है और म्यूजियम को इन्होंने जिम बना रखा है। सो कूल यार, बहुत तगड़ा, मज़ा आने वाला है। एंड गाइस, सो सॉरी अगर आपको कोई बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रही हो, क्योंकि अभी मैं क्या सिटी एरिया में हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे व्हीकल्स की वॉइस आती रहती है, व्हीकल्स की साउंड आती रहती है। ओके, तो जियो डूड एब्जॉर्ब यूज़ करेंगे या फिर गीगा ट्रेन यूज़ करते हैं, गीगा ट्रेन करते हैं। ओ नाइस यार, सिर्फ एक ही मूव हमारा काफ़ी था। ओके, तो जियो डूड ने डिफेंस कल यूज़ किया, तो आई थिंक गाइस मैं क्यू के टेक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हमें एब्जॉर्ब यूज़ करना चाहिए। लेट्स सी एब्जॉर्ब से क्या होता है। वैसे भी गाइस, पहला अटैक तो हमारा ही होता है, तो हम लोग क्यू के अटैक करें या फिर कोई और दूसरा अटैक करें क्या फ़र्क पड़ता है। नाइस, नहीं स्विच नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ट्रिको जो ग्रास टाइप पोकेमोन है मेरा, इसके पास एडवांटेज है, तो आई डोंट थिंक आई विल स्विच। और जैसे मैंने किया भी नहीं, वापस से गीगा ड्रेन यूज़ करते हैं। यार इस बार तो कमाल हो गए, सिर्फ एक हिट में गया जू डूड। तो गाइस, मेरे को जैसा लग रहा है कि हम ये बैटल बहुत इजीली जीतने वाले, जिम बहुत इजीली जीतने वाले। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है। इफ़ यू कांट डिफीट मी, बोलने से पहले ये तो लड़ने पे आ गया। लेट्स सी, इसके पास भी जू डूड है। तो गाइस, जितना मेरे को लग रहा है ये एक रॉक टाइप जिम है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली जीत जाएंगे अपना ट्रिको को यूज़ करके। गीगा ड्रेन करते हैं। नाइस यार, इट इज़ सुपर इफेक्टिव। टैकल किया जी डूट ने और इससे हमारे कितनी गई, 8 HP गई एक टैकल से। क्योंकि अटैक करते हैं, एंड जी डूट गया। वो ही है, लेवल 14 का हमारा ट्रिको हो गया। एंड आई थिंक लेवल 15 या फिर लेवल 16 में जो हमारा ट्रिको है वो इवॉल्व होगा, इवॉल्व होकर ग्रोवाइल बनेगा, और ग्रोवाइल बहुत कूल लगता है। और फिर फाइनली इवॉल्व होकर बनेगा सेप्टाइल। ओके, तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, साइड साइड से जाना होगा। सिर्फ 2 ही ट्रेनर है यहाँ पे, इससे भी अब लड़ते हैं, इसके बाद आई थिंक जिम लीडर है बस। तो ये अपने ट्रेनर स्कूल की सब तारीफ कर रहे हैं कि मैं नंबर 1 थी, नंबर 1 बनना चाहती हूँ।
उसके पास है, इसके पास भी गाइस जियो डूड है। तो वापस गाइस हम लोग वही करने वाला है गीगा ड्रेन। एक ही हिट काफी थे गाइस इस बार तो, और हमारे आई थिंक पूरी एचपी हील हो गई। यस गाइस पूरी एचपी हील हो गई। तो हम लोग जिन बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, ना हमारा कोई पोकेमोन डाउन हुई और ना ही कुछ। सो लेट्स गो चैलेंज जिम लीडर करते हैं। ये रहे जिम लीडर रॉक्सिन नाम था ना सर से इसका। हाँ गाइस सर से इसका नाम रॉक्सिन ही है। जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड आई नो यू एंड योर पोकेमोन वुड बी एबल टू गेट दिस फार। नाउ वुड यू काइंडली डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू बैटल विथ योर पोकेमोन। ओके आई विल एंड आई विल डिफीट यू रॉक्सिन। यस गाइस इसका नाम रॉक्सिन ही है। तो इसने भी जियो डून पहले यूज़ किया। इसके पास लेट्स सी कितने पोकेमोन है। तो गाइस रॉक्सन के पास दो पोकेमोन है और उसका पहला पोकेमोन जियो डूड है, वो लेवल 12 का है। नाइस गीगा ड्रेन यूज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा दो लेवल जाता है तो पहला मूव हमारा ही होगा। ओ नाइस जियो डून ने रॉक टॉम्प का यूज किया और ट्रिको ने अटैक अवॉइड कर दिया। वहां चलो इसको हटाते रास्ते से क्यूक अटैक। ओके तो रॉक्सिन ने पोर्शन का यूज किया। क्यूक अटैक से ज़्यादा उसको हिट नहीं होगा क्योंकि जो जियो डूड है वो एक रॉक टाइप है, जैसे मैं गैस मेरे को लगा ही था। आई थिंक अब हमारे मेगा ड्रेन, सॉरी यस गैस सॉरी नहीं सही बोल रहा था मैं, मेगा ड्रेन। गैस अभी तक मैं गलत बोल रहा था, अभी तक मैं गीगा ड्रेन बोलता था, एक्चुअली ये मेगा ड्रेन है। अटैक मूव स्लोथ लेवल 7 को हो गया। नाइस स्विच करना चाहेंगे, नहीं नहीं करेंगे। जो नो स्पैस है वो भी एक रॉक टाइप पोकेमोन ही है। नो स्पैस वो लेवल 14 का है। तो ओके तो यहाँ पे बराबरी की बैटल हो सकती है। मेगा ड्रेन यूज करते हैं। हाँ गाइस मेरे को लग ही रहा था बराबरी की बैटल होगी, उसके सिर्फ हाफ एचपी गई और उसने रॉक टॉन किया और इससे हमारे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। वापस से गीगा ड्रेन कर रहे हैं, सॉरी गाइस वापस मैंने गलत बोला, मेगा ड्रेन एंड नाइस। जितना उसने हमें डैमेज किया था ऑलमोस्ट हमने उतना एचपी हील कर ही ली थी, लेकिन उसने वापस से डैमेज कर दी। बट कोई बात नहीं गाइस, गाइस बस एक और अटैक और हम अपनी फर्स्ट जिम जीत जाएंगे, जिम बैटल जीत जाएंगे और हमें मिलेगा शाइनी बैच एंड नाइस। नाइस गैस ट्रिको लेवल 15 का हो गया। आई थिंक इसको इवॉल्व होना चाहिए लेवल 15 या फिर लेवल 16 पे जो ट्रिको है उसको इवॉल्व होना चाहिए। जिसको लेवल 10 का हो गया। नाइस सो आई लॉस्ट, इट सीम्स डैट आई स्टिल हैव मच मोर टू लर्न। और ये कुछ पैसे मिले हमें जीतने पे। आई अंडरस्टैंड द पोकेमोन लीग रूल्स डैट स्टेट दैट ट्रेनर रिसीव दिस इफ दे डिफीट अ जिम लीडर, प्लीज एक्सेप्ट द ऑफिशियल पोकेमोन लीग स्टोन बैच। ओ भाई ओपी यार, कितना चमकदार बैच है। ओके तो गाइस हमें स्टोन बैच मिल गया रॉक्सिन से। द स्टोन बैच इनेबल पोकेमोन टू यूज एच एम मूव कट आउटसाइड ऑफ बैटल। ओके एंड हम पोकेमोन का लेवल 20 तक बढ़ा सकते हैं और जो भी हमें ट्रेड में मिले उनका भी, और ये अपने साथ ले जाओ। तो रॉक्सिन ने हमें दिया है रॉक टॉम मूव। रॉक टॉम मूव गाइस मैं अपने किसी पोकेमोन को पक्का सिखाऊंगा क्योंकि जो रॉक टॉम है वो काफ़ी इफेक्टिव मूव है। और ये वही कुछ बता रहे हैं रॉक टॉम मूव के बारे में, इससे क्या होता है और क्या वही बाकी सब बेसिक्स। यू कैन यूज़ अ टीएम एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। सो गाइस हम फर्स्ट जिम जीतने के बाद अब हमारे में एटीट्यूड तो नहीं आया, अब बाहर चलते हैं।
लेकिन एटीट्यूड नहीं आया, लेकिन थोड़ा प्राउड फील हो रहा है गाइस। मज़ा आ गया जिम बैटल करके, एंड रॉक्सन के साथ बैटल करने में मज़ा तो आया। वेट ए सेकंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो हमें रॉक टॉम मूव मिला है उसका यूज़ क्यों ना किया जाए हम अपने किसी पोकेमोन को? लेट्स सी सिखा सकते कि नहीं सिखा सकते रॉक टॉम मूव। ओके तो गाइस हम लोग स्लो को सिखा सकते, जो भी नाम है उसका, स्लो यूथ है, इसको सिखाते रॉक टॉम मूव। ओके नाइस गाइस, तो अब हम लोग बाहर जा सकते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग इधर से जाते हैं। जिम तो गाइस काफ़ी कूल थी और मज़ा आ गया, सही बताओ तो जिम देखने लायक थी जिम। आउट ऑफ द वे, मूव इट। ये तो टीम मैग्मा का एक मेंबर है शायद से, हाँ गाइस वो टीम मैग्मा ही है और आई थिंक ये वही साइंटिस्ट है। डोंट टेक दोज पार्ट्स, चलो चलते हैं, हीरो की एंट्री करने का टाइम आ गया है, तो चलो चलते हैं साइंटिस्ट से बात करते हैं। और अब हमारी एंट्री की बारी है। लेट्स सी क्या हो गया। ओह यू देयर, यू आर दैट फंटास्टिक ट्रेनर हु हेल्प मी इन पेटलवर्क वुड्स। हेल्प मी, आई वॉज रॉब बाई टीम मैग्मा, आई हैव टू गेट द डिबॉन्स पार्ट्स। ओके तो हमें इसकी मदद करनी है, जो टीम मैग्मा का भी मेंबर गया उसने डिवॉन्स पार्ट्स, एक डिवाइस है उसके कुछ पार्ट्स ले लिए, तो वही हमें ला के इसको वापस देने। ओ इसी रास्ते से चलते हैं, गैस मैं सोच रहा था मैं बच के जाऊंगा बट फंस गया। एंड इसके पास तीन पोकेमोन है गैस, एक काम करते इस बैटल को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जाओ जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो। और गाइस अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे को डीएम करना इंस्टाग्राम में, मैं पक्का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो फाइनली गैस मैंने इस ट्रेनर को हरा दिया और इस ट्रेनर को हराने में काफ़ी टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, सफ़र का फल मीठा होता है या फिर जो भी बोलो, अच्छी चीज़ें करने में टाइम लगता है। तो अच्छा खासा एक एक्सक्यूज़ देने के बाद गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे रास्ता है गैस, रास्ते तो हैं यहाँ पे। पोकेमोन की गैस तुम्हारे एचपी तो आई थिंक सबकी हिली है, लेट्स सी यूज़ करते हैं। नहीं गैस हमारे पोकेमोन की एचपी हील नहीं थी, और सॉरी गैस मैंने वापस से उसी के ऊपर यूज़ किया। ओके तो गैस अब हम आगे बढ़ सकते हैं, आई होप कि ये जो लड़की है ये न लड़े हमसे, एंड यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा गैस। तो गैस हमें इससे लड़की से लड़ना ही पड़ेगा, बच के जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। और इसका पोकेमोन है मरील, मैरिल सॉरी मरील बोल रहा था मैं, मैरिल नाम है इस पोकेमोन का और ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है और इस पे की गया सॉरी मेगा ड्रेन काफ़ी इफेक्टिव होगा, बट मैंने गैस एब्जॉर्ब यूज़ किया क्योंकि एब्जॉर्ब भी ग्रास टाइप मूव ही है, इट वाज सुपर इफेक्टिव आई नो डैट। रोल आउट, हमारी सिर्फ 2 HP गई। एंड नाइस हमने मरील को हरा दिया, मरील फेंटेड एंड हम लोग ये बैटल भी जीत गए और हमारा जो ट्रिक वो लेवल 16 का हो गया है, नाइस। ओह भाई गाइस मैंने जैसे आप लोग कहा था लेवल 16 पे पोकेमोन इवॉल्व होगा मेरा ट्रिको, वर्स ट्रिको इज इवॉल्विंग यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम में इवोल्यूशन देखने के लिए। ओ नाइस यार बहुत कूल है गाइस, ये बहुत कूल है, ओपी सीन थे एकदम ओपी। कंग्रेचुलेशन योर ट्री को इवॉल्व इन ग्रोवाइल, नाइस गाइस। फ्यूरी कटर नाइस, सब बढ़िया ही हो रहे हैं, बढ़िया ही हो रहे हैं हमारे साथ। तो आई थिंक एक अटैक मेरे को
पावन को रिप्लेस कर रहा हूँ इसमें। तो ग्रोवाइल ने फ्यूरी कटर सीख लिया। आगे चलते हैं यार। कैसे ये जो बीच बीच में पोकेमोन आते हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं मेरे को। ओके टेलो, टेलो एक अच्छा पोकेमोन साबित हो सकता है, एक अच्छा फ्रैंक टाइप पोकेमोन साबित हो सकता है अगर आप अपनी टीम में इसको रखना चाहो। बट गाइस अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं टेलो को रखूँगा अपनी टीम में। इससे बच के निकल गए हम लोग। इससे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। What's going on? I was digging the tunnel without any tool when some goon ordered me out. That tunnel filled with Pokemon that react badly to loud noises. They could cause an uproar. That's why we stopped using heavy equipment for tunneling. I am worried that the goon will do something stupid and startle the Pokemon into an uproar. ये आई थिंक टीम मैग्मा के मेंबर की बात कर रहा है। और एक मिनट हम इधर एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ आई गेस रॉक स्लाइड से हम लोग चढ़ सकते हैं, बट हमारे पास अभी मूव है ही नहीं रॉक स्लाइड। ऊपर देखते हैं, ऊपर पे जाने के लिए रॉक स्लाइड चाहिए। लेट्स सी इस पोकेबॉल में हमें मिलता है एक्सपी अटैक। आई डोंट नो ये यूज़फुल होता भी कि नहीं होता। एंड अब केव में जाना चाहिए आई थिंक हमें। ये क्या कर रहे हैं बाहर? ओह व्हाट आई एम टू डू सॉरी। वी वर जस्ट आउट ऑन आवर वॉक पीको एंड आई व्हेन वी वर अटैक बाय एन ओल्ड थग। हाँ गाइस ये टीम मैग्मा, पक्का टीम मैग्मा का वही मेंबर है। एंड देन द स्कून ड्रिल मेड ऑफ विद माय डार्लिंग पीको। पीको इसकी वाइफ है क्या? वेयर आर यू पीको? लेट्स सी गाइस पीको कौन है। रस्टोर्फ टनल, माहौल तो यहाँ पे कुछ धुआं धुआं सा है। एक पोकेबॉल मिली हमें, अच्छी बात है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोकेबॉल हमें मिलता है। विस्मोर, ये भी अच्छा पोकेमोन है। आई थिंक यही इवॉल्व होकर लाउडनर ऐसा कुछ पोकेमोन का नाम है वो बनता है। ओके तो सामने जो स्टोन है वो रॉक स्मैश से टूट सकता है। आर यू कमिंग? कम एंड गेट सम देन। ओके गाइस मैं मिसअंडरस्टूड कर गया। जो पीको है वो उस पोकेमोन जो बाहर मैं ओल्ड मैन था वो पीको की, जिस पीको की बात कर रहा था वो पोकेमोन है। जैसे कि आप इसके बाजू में एक पोकेमोन देख सकते हो, ये बर्ड वाला, इसका नाम मेरे को याद नहीं। ये है पी। नाउ यू आर हियर टू बैटल मी रियली? गाइस फिर से ये एनिमेशन बहुत कूल है। ठीक है मैग्मा ग्रैंड पूछिए ना। तो गाइस फर्स्ट टाइम हम बैटल कर सकते कर रहे हैं अपने ग्रोवाइल के साथ। इसका फ्यूरी कटर के यूज़ करके देखते हैं। ओ भाई खतरनाक था गाइस, खतरनाक मूव था। बॉल से कुछ नहीं होता। एंड ये पूछी आना गया। बहुत जल्दी गाइस हमारी बैटल खत्म हो गई टीम मैग्मा के मेंबर के साथ। नाइस फ्लेवर जो हमारा लेवल 9 का हो गया और इसको एक मूव मिला है। तो लेट्स सी हम किसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए गाइस यहाँ पे काफ़ी मूव है, इसको ही हटा देता हूँ मैं। फॉरगेट 1 2 एंड टाडा, स्लेव ऑफ स्लोथ ने लर्न कर लिया। इज दिस द एंड ऑफ माई एविल ड्रीम? दिस इज प्लेन, द बॉस टोल्ड मी दिस वुड बी अ स्लिकी एंड ईजी जॉब टू पुल। ऑल आई हैड टू डू वॉज स्टील सम पार्ट्स फ्रॉम डेवॉन टच। You want him back that badly and then take him. कैसे हमें डिवोन के पार्ट्स मिल गए जो इसने उस साइंटिस्ट से चोरी किए थे। और ये रही उसकी पीको, इसको भी हमें लौटाना चाहिए। ओके ये खुद ही आ गया अंदर। पीको आई एम आई ग्लैंड, माई पीको ओस हर लाइफ एंड फ्रीडम टू यू लैड। दे कॉल मी मिस्टर ब्रिनी एंड यू आर सो इट्स रोहित के पी।
इज इट नाउ? देन आई सिंसियरली थैंक यू रोहित केपी। इफ देर एवर अ थिंग आई कैन डू टू हेल्प यू इन टर्न, डोंट यू हेजिटेट टू टेल मी। इफ आई एम टू बी फाउंड, इट विल ऑलवेज बी एट माई कॉटेज बाय सी नियर पीटर ब्रुक्स। ओके गाइस, तो ये वही ओल्ड मैन है जो हमें पीटर ब्रुक वुड्स के पहले मिला था, और ये वही उसका बर्ड है जो हमें बीच एरे में मिला था, ये वही मैन है। यहाँ पे रास्ता देख रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो रास्ता यहाँ पे बंद है। तो गाइस यहाँ अगर हमें केप को पार करना है तो हमें एक रॉक स्मैश मूव होता है वो चाहिए होता है, जिससे जो स्टोन हमें दिखे सामने वो टूट जाते हैं। तो अब गाइस हम लोग इस केप से बाहर निकलते हैं और उस साइंटिस्ट को उसके डिवोन्स के पार्ट्स देखते हैं। गाइस ये एपिसोड काफ़ी कूल था, काफ़ी मज़ा आया इस एपिसोड में अभी तक मेरे को। हमारा जो ट्रिको है वो ग्रोवाइल में इवॉल्व हो गया, हमने फर्स्ट जिम बैटल जीत। सो गाइस एक लाइक तो बनता है, गाइस इस वीडियो को लाइक की मैं 250, आई नो थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही है पिछली वीडियोज़ के कंपेरिजन में, बट मेरे को भरोसा है तुम लोग पे, तुम लोग जल्दी जल्दी 250 लाइकिंग कंप्लीट करा ही दोगे। गाइस ये पकवान बार बार अपीयर हो रहा है, एंड हमारे पास अभी रिपेल भी नहीं है जिसका यूज़ करें तो पकवान ना रहे। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये वापस आ गया ग्रोर, डेड गोफी गून हाईलाइटेड इट आउट ऑफ द टनल, आई कैन गो बैक टू डिगिंग। थैंक यू नहीं बोलोगे हमें? चलो यहाँ से निकलते। अरे यार गाइस हम लोग फंस गए, लेट्स सी इसके पास कौन सा पोकेमोन है। जियोडूड गाइस, इसका पहला पोकेमोन है जियोडूड, एंड हमारा ग्रोवाइल मज़ा आने वाला है। उसका लेवल देखो, लेवल 8 का वो है और हमारा लेवल 16 है, जस्ट डबल। एंड गाइस जैसे मेरे को लगा था हमारा एक ही मूव काफ़ी है उसके लिए। लेट्स सी इसका सेकेंड पोकेमोन कौन सा है। नाइस, जिग्सगुन का लेवल 11 हो गया। गैस में जिग्सगुन को जो भी मूव मिल रहा है मैं कुछ उसको सिखाने वाला नहीं हूँ, कुछ टाइम बाद मैं गैस उसको पीछे में रख दूँगा अपने, क्योंकि मैं जिग्सगुन को यूज़ नहीं करने वाला। मेरे को काफ़ी वाहियात सा पोकेमोन लगता है जिग्सगुन। एक और जियोडूड, वापस से मेगा ड्रेन करते हैं। ओके तो इस बार उसकी थोड़ी एचपी रह गई है, ये क्या था, इससे कुछ भी नहीं हुआ। एंड गाइस इस ट्रेनर का सेकेंड जियो ड्यूड भी फेंट हो चुका। नाइस, तो यार ये लोग हमारा काम करने नहीं देंगे, बीच बीच में आके परेशान करते हैं। बीच बीच में कभी कोई पोकेमोन आ जाता है, कभी कोई ट्रेनर आ जाता है, सीधे एक शरीफ आदमी को जाने नहीं देते। शरीफ आदमी नहीं, शरीफ बच्चे को, हमारा जो करेक्टर है वो तो बच्चे ही है इसमें। कांडा निंजा से एक्सपायर हुआ है आई थिंक, निंजा उंजा ज़्यादा दिखता होगा ये निनकांडा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। वो साइंटिस्ट यहीं था ना, कहाँ चला गया गाइस? वो साइंटिस्ट तो इधर ही था, कहाँ चला गया था? ये रहा गाइस मिल गया। ओ यू डिड इट गो, डिड यू गेट माई डेमोन पार्ट्स? यू डिड, यू गोट देम बैक, यू रियली आर अ ग्रेट ट्रेनर, आई नो, एज माई थैंक्स आई विल गिव यू ग्रेट बॉल। नाइस यार, ये हर बार जब भी हम इसकी हेल्प करते हैं ये हमें कुछ ना कुछ देता ही है। और ये सेंगमैन, प्लीज कम विथ मी। ओ भाई ओपी, दिस इज द टॉप फ्लोर ऑफ द डिवोन कॉरपोरेशन, आवर प्रेसिडेंट ऑफिस इज ओके, आई कैन टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर वॉट यू हैव डन फॉर आवर कंपनी। कुड यू वेट हियर फॉर जस्ट अ मोमेंट? बड़ी जल्दी आ गया ये,
ओके तो जो प्रेसिडेंट है इस कंपनी को हमसे बात करना चाहते हैं, तो चलो चलते हैं भाई। इतनी इज्जत, डायरेक्ट प्रेसिडेंट हमसे बात करना चाहता है। ओके तो चलते हैं। सॉरी गाइस, मैं अपने कंट्रोल्स भूल गया। वेट अ सेकेंड, सो सॉरी गाइस। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल, जब तक मैं ये सॉल्व करता हूँ अपनी प्रॉब्लम। हाँ गाइस हो गया, प्लीज़ कम विथ मी, प्लीज़ गो अहेड। ओके तो ये हैं प्रेसिडेंट भाई, इसके बाल देखो पहले। आई एम मिस्टर स्टोन, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबोन कॉरपोरेशन। आई हियर जस्ट नाउ हाउ वी हैव अ क्विट बिट टू थैंक यू फॉर। भाई काफ़ी कूल लग रहा है यार ये बंदा, और इसके पीछे एक ऑन स्टार की पेंटिंग है एंड कुछ फॉसिल्स जैसे दिख रहा है। सो यू हेल्प आउट माई स्टाफ नॉट, देयर इज अ फेवर आई वुड लाइक टू आस्क ऑफ अ रिलायबल ट्रेनर यू। नाउ आई वॉन्ट यू टू नो आई एम अ प्रेसिडेंट यू कैन ट्रस्ट। आई हैड नेवर बी सो मीन एज टू आस्क अ फेवर फॉर नथिंग इन रिटर्न। हियर गिव मी योर पोकी नेव प्लस फॉर अ मोमेंट। तो ओके तो इन्होंने एक फंक्शन ऐड कर दिया हमारे पोकी नेव में, बज नेव। ओके तो यूज इट एंड यू विल बी एबल टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द रीजन एंड फ्रॉम योर वेरी ओन फ्रेंड्स। ओके तो अब काम की बात पाए ना प्रेसिडेंट, अब बारी है इनके काम की। ओके तो आई वॉन्ट टू आस्क यू टू डिलीवर दिस लेटर टू अ मैन नेम स्टीवन। यू शुड फाइव इन अ डे फोर्ट। ओके गाइस तो एक हमें लेटर दिया इस प्रेसिडेंट ने, और इन्होंने हमें बोला कि जो स्टीवन नाम का बंदा है उसको ये लेटर दे के आना है, और जो ये लेटर देना है उसके देने के लिए मेरे को जाना है डेवोन सिटी, और इस काम में हेल्प करेंगे मिस्टर ब्रिनी जो रूट 104 पे हमें मिलेंगे। गाइस मिस्टर बिल्डर वही ओल्ड मैन है जिनके अभी हमने हेल्प की थी और उनके पीको को बचाया था, एंड वो प्रोफेसर से सेलर है एक जितना मेरे को पता चला था। ओके तो यहाँ से हम गाइस बाहर निकलते हैं, काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पे। अरे गाइस यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। क्या बात है भाई, क्या ये क्या सच में गाइस यहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। आई थिंक एक फ्लोर में को और नीचे जाना पड़ेगा। लेट्स सी गाइस, हाँ गाइस जैसे मेरे को लगा था हम टॉप फ्लोर पे थे, यहाँ पे होना चाहिए। हाँ गाइस पक, ओ भाई कूल है यार, बहुत कूल था वो। वापिस से मैं आ गई। हे रोहित की हैव यू बीन कैचिंग लॉट्स ऑफ पोकेमोन। आई एम डूइंग प्रिटी गुड ऑन दैट। आई कॉट सो मैनी पोकेमोन इन पेटलबर्ग दैट आई रैन आउट पोकेमोन। ओ या आई पास बाय मिस्टर ब्रिनी व्हेन आई वाज इन पेटलबर्ग वुड्स। हैम आई गेस ही मस्ट हैव बीन ऑन हिज वे होम टू हिज क्वार्टर्स 104। ओके तो जस्ट वही बात मैंने भी हमें बताई मिस्टर ब्रिनली के बारे में, कि वो अपने कॉटेज में गए जिनका रास्ता 104 पे पड़ता है, जो उनका कॉटेज है वो 104 पे पड़ता है। तो गाइस इस एपिसोड के इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।